हाउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। टी जी टेक में आपका इंटरमीडिएट सेक्शन गाइड में खुश आमदीद है। हमने बिगिनिंग गाइड आप सबके तावन से फिनिश कर ली थी, तो आज ही हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है ऑफ इंटरमीडिएट गाइड अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा वर्क इंटरेस्टिंग होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप काफ़ी इसमें इंजॉय करेंगे। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। ओके, तो ये है क्या इंट्रोडक्शन, ये है जी, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस जी। इंटरमीडिएट गाइड में हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गाइड में हम डिफरेंस ड्राइवर्स और अपने फेवरेट एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेड विक्स के ज़रिए इंस्टॉल कर सकेंगे। और इसको इसके लिए आपको कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी लाजमी चाहिए, एक तो जो मैंने बिगिनिंग गाइड में आपको समझाया है बेसिक अनअटेंडेड सेटअप, नॉलेज अबाउट बैश स्क्रिप्टिंग वो भी आपको इंशाल्लाह बताई जाएगी, ऑल ड्राइवर्स एंड प्रोग्राम्स यू नीड, यानी कि जो आपको चाहिए। ओके, तो इस लेक्चर में मैं आपको आज OEM प्री इंस्टॉलेशन फोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वो है क्या। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो बात कर रहे थे OEM प्री इंस्टॉलेशन की। तो उस प्री इंस्टॉलेशन इसमें ये होगा कि जो हम वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, ये लिंक है उसका। लेकिन उससे पहले ये जो कोड है, इस कोड को आपने winnt.sif की फाइल में एडिट करना है। वो कहाँ करना है आपको पता है, i386 के फोल्डर में। हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बिगिनिंग गाइड में बताया था, वहाँ हमने फाइल एक बनाई थी, उसमें अनअटेंडेड पोर्शन के अंदर आपने ये फाइल एडिट करनी है। फिर भी आपको दिखा देता हूँ आपकी याद आने के लिए, i386 ये देखें, ये भी विनएनटी की फाइल है, ओपन करते हैं। ये अनअटेंडेड, ये देखें इसमें ये दो कोड है, ये हमने पुट किए हैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, जो वहाँ मैंने, क्योंकि इसके बगैर हमारा वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर है वो वर्क नहीं करेगा। तो वो उसके इन कोड को मैं आपको समझाता हूँ, ये है क्या, ये जो है OEM प्री इंस्टॉल, यस ये है जी, ये जो है ये वैल्यू हमारी जो विंडो एक्सपी की डॉलर साइन OEM डॉलर साइन के फोल्डर अंदर, जो विंडोज़ के अंदर प्रोसेस जब होगी हमारी, ऑल एप्लीकेशन को हमारी जो रूट ड्राइव है उसमें ऑटोमेटिकली कॉपी करके इंस्टॉल कर देगा। ओके, ये जो वैल्यू, ये स्विच है, ये उसके लिए होता है, जो अनअटेंडेड स्विच, यस ये वाला है, ये वाला, ये वैल्यू हमारी जो वेलकम स्क्रीन होती है विंडो एक्सपी की, उसको स्किप करने के लिए और ऑटो यूज़र लॉगिन को क्रिएट करने के लिए स्विच यूज़ होता है। इससे पहले मैं आपको OEM डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर का थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद इधर आते हैं। ओके, ये जी आप देख सकते हैं कि OEM का जो फोल्डर है i386 फोल्डर के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। इसमें आप जो कुछ भी कॉपी करेंगे वो दौरान इंस्टॉलेशन, विंडो इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली हमारी रूट ड्राइव में यानी कि कॉपी हो जाएगा। इफ़ अगर आपकी विंडो डी ड्राइव में इंस्टॉल हो रही है तो वो डी ड्राइव की रूट में ऑटोमेटिकली कॉपी होंगी एप्लीकेशन और खुद ब खुद रन हो जाएंगी। ओके, इसको कॉपी करने के लिए एक बैच फाइल क्रिएट की जाएगी जिसके अंदर हम कमांड्स लगाएंगे, तो वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ये देखें ये वो बता रहा है कि फोल्डर से इज पैरेलल टू द i386, यानी कि ये सब फोल्डर इसके i386 के पैरेलल है। डॉलर साइन वन विल बी कॉपी टू रूट द ड्राइव पार्टीशन, वो कह रहा है कि ये रूट ड्राइव को यानी कि सी जो भी है सी या डी ड्राइव, इसमें आप जो कुछ भी रखेंगे वो उसकी रूट पर कॉपी कर देगा इन प्रिपरेशन लेआउट। वो कह रहा है कि ये देखें ये इंस्टॉल का फोल्डर है डॉलर साइन के अंदर। वो कह रहा है कि अगर हमारा जो सोर्स है, जिस वक्त सोर्स को आप देखेंगे यानी कि जहां हमने ई ड्राइव में अपनी एक्सपी रखी थी उसका सोर्स लाइक ऐसा होगा, लेकिन जब उसको सीडी पर बर्न कर लेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा XOEM डॉलर साइन वन स्टार। ओके, तो जब वेन द OEM यानी कि वो हमारा जो OEM डॉलर साइन फॉर स्लैश डॉलर साइन वन फॉर इंस्टॉल, वो एक मरतब हार्ड ड्राइव पर कॉपी यानी कि ड्यूरिंग सेटअप लेआउट यानी कि वो जब कॉपी हो जाएगा तो देन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा।
तो थोड़ा सा मैं और इसके बारे में आपको बताता जाता हूँ। इसमें जो ये डबल डॉलर साइन वाला जो फोल्डर है इसका, ये जी इसमें हम एनीथिंग, ये विंडोज़ फोल्डर है, इसके अंदर हम एनीथिंग कुछ भी रख सकते हैं विन90 XP के अंदर। तो यूजिंग मेथड यू कैन क्रिएट, यानी कि इसके अंदर हम एडिशनल फोल्डर बना सकते हैं लाइक रिसोर्सेज फॉलोड बाय सब फोल्डर, यानी कि रिसोर्सेज लाइक कार्ड थीम का फोल्डर होता है वो बना ले, उसके अंदर व्यू स्टाइल है वो बनाकर उसके अंदर फाइल्स रखें, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी वहाँ जाकर। लाइक ये देखें वो बता रहा है सी विंडोज रिसोर्सेज थीम ऑटोमेटिकली वैन रनिंग विंडोज सेटअप, ये ऑटोमेटिकली रन होकर उसके अंदर सेव हो जाएगी। ओके नाउ दैट यू नो, इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी उसके बारे में बताता जाता हूँ जो ऊपर हमारे हमने फोल्डर देखा है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ये जो डॉलर साइन DOCS डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट सेटिंग के लिए है। डॉलर साइन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम फाइल के लिए है। डबल डॉलर साइन विंडो फोल्डर है। डॉलर साइन वन ये रूट ड्राइव है विंडो इंस्टॉल जहाँ होगी। टेक्स्ट मोड मास स्टोरेज ड्राइव, ये मास स्टोरेज ड्राइव के लिए, यानी कि जो हमारी बेसिक स्टोरेज ड्राइव लेटर, ये ड्राइव के लेटर के लिए यूज़ होता है। ओके तो आफ्टर दिस मैं आपको अब इसके बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। ओके उसके बाद मैं आता हूँ ऑटो यूज़र ऐड यूज़र्स एंड ऑटो लॉगन, ये हम फाइल क्रिएट करेंगे, देन आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा ये वर्क कैसे करती है। ओके तो यूज़र एडिंग, इसमें हम कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे जो कि हमारी ऑटोमेटिक जो यूज़र हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, और हम उसको डॉलर साइन OEM डॉलर साइन के फोल्डर में रखेंगे। इसमें दो मेथड्स हैं, नेट यूज़र है WBEINOFO.INI का मेथड है। तो इसमें होता क्या है, फर्स्ट वन जो है वो जी मैं आपको यही बता रहा हूँ ये वाला, इसमें सॉरी वो एक वर्ड मिस है वो मैं ठीक कर दूंगा। तो इस मेथड में आपने करना क्या, जस्ट ये कोड है इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। इसमें टू यूज़र्स क्रिएट किए गए हैं, आइडेंटिटी 00 न्यू यूज़र यूज़र नेम, ठीक है। आइडेंटिटी 001 न्यू यूज़र यूज़र कुछ भी हो सकता है, इसके नीचे आप एडिशनल भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 की, यानी कि इसके अंदर आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये मैंने एडिशनल किए हैं अली अवैस हैदर लाइक, ये इसको आपने बाद में सेव कहाँ करना है ये देखें, इसको जस्ट हम कॉपी करते हैं नोट पैड, इधर किया सेव, इसको हम इसी फाइल के नाम से डॉलर साइन System32INI, ठीक है ऑलरेडी है। ये देखिए मैंने नीचे बताया भी है कि आपने कहाँ इसको कॉपी करना है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैं इस मेथड को रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ये मोस्टली सिर्फ विंडोज़ XP विंडोज़ NT 2003 पर वर्क करता है, यानी कि लेकिन इसके बाद जो बहुत ही पावरफुल, यानी कि मैं जिसको रेफर करता हूँ वो मेथड है जी नेट यूज़र मेथड। ओके ये ऑल विंडो एंटी प्लेटफॉर्म्स पर यानी कि वर्क कर जाता है। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जी आपने नोट पैड ओपन करना है, ये कॉपी करना है। ओके कॉपी करके पेस्ट सेव इट, उसको इस नेम से आपने OEM के फोल्डर में OEM यानी के ये वाला इस फोल्डर की अंदर सेव कर लेना है। यस ऑलरेडी सेव, ठीक। तो इसके अंदर जो कमांड है ये देखें, ये है ना कमांड्स और यूज़र अकाउंट्स डॉट CMD, ये हमने उसको बताया कि ये ऑटोमेटिकली, यानी कि जब ये हमने फाइल ओपन हो तो ये ऑटोमेटिकली CMD की फाइल रनिंग में आ जाए। ओके आफ्टर दिस क्या करना है, हमने एक फाइल क्रिएट करनी है यूज़र अकाउंट डॉट CMD की, यानी कि ये वाली ये है, इसको आपने कॉपी करना है, पेस्ट किया और इसको यूज़र अकाउंट्स डॉट CMD सेव, ओके तो इस फाइल को हम यूज़र अकाउंट्स डॉट CMD वहाँ डॉलर साइन OEME डॉलर साइन के रूट में ही सेव करेंगे इस नाम से। ओके तो आफ्टर दिस ये करने के बाद जी हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे ऑटो लॉगिन की, इट्स मीन के हमने जो यूज़र बनाया है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली
ऑटो लॉगिन हो जाए हमें, यानी कि क्लिक करने की उसके ऊपर कोई ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो कोड है इस, चले मैं इस थोड़ा सा आपको इसका बता दूं, ये जो हमने कोड था इसके अंदर जो पोर्शन है आपकी हो जाएगा, ये नेट यूज़र कमांड है। इसके अंदर जो टीची टैग का ये यूज़र नेम है, यानी कि यूज़र नेम क्रिएट होगा। ये जो 1 2 3 से 0 तक हमने ये है न्यूमेरिक, ये इसका पासवर्ड है, आप कोई भी रख सकते हैं। और ये ऐड की कमांड है। आफ्टर दिस नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ये इसको उस ग्रुप्स का एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करे। ये अगेन वही टीची टैग, उसका यूज़र नेम है ऐड। ओके, नेट अकाउंट्स मार्क्स पासवर्ड ये अनलिमिटेड है, यानी कि पासवर्ड, इसका मतलब ये है कि आफ्टर, अक्सर होता है कि हम जो यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं वो आफ्टर 14 डेज एक्सपायर हो जाता है, इसकी जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है। ये है जी ऑटो लॉगिन की कमांड, इसके अंदर ही हमने दी है जो हम अभी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर दिस हम ये देखें, जस्ट कॉपी, वहीं पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब इसमें देखें, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम टीची टैग दे दिया है और उसका पासवर्ड भी दे दिया है, या तो एडमिन लॉगिन का की भी दे दिया है। ओके, इसको हम सेव करेंगे ऑटो लॉगिन .reg के नाम से, रजिस्ट्री की फाइल करेंगे इसको $OEM की, जहां हमने वो की है। ओके, ये लें, ये भी वही होगी। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये जो हमारे पास 3 फाइल्स आई हैं, फर्स्ट वन आई है जी हमारे पास जी CMD लाइन्स डॉट टेक्स्ट की, सेकंड वन है जी यूज़र अकाउंट डॉट CMD, और सेकंड थर्ड वन है जी ऑटो लॉगिन डॉट REG। अब ये वर्क कैसे करेंगी जी, वो मैंने आपको बताया था i3win90.isf की फाइल है, जो उसके अंदर हमने उसको OEM प्री इंस्टॉल यस अनअटेंडेड स्विच, ये स्विच दिए हैं जिसको ये फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, आफ्टर दिस तो हम ये देखते हैं, ये $OEM इस फोल्डर में, ये ऑटो लॉगन, इसको एडिट, ये फाइल है। और बेसिकली जो फाइल्स रन होगी वो इसको देखते हुए होगी, कमांड्स है यूज़र अकाउंट, ये इसको यूज़र अकाउंट डॉट CMD की फाइल को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दिस उसमें आप देख सकते हैं कि वो जब रन हो जाएगी उसके अंदर वो यूज़र अकाउंट करेगा और यूज़र अकाउंट्स को क्रिएट करेगा। आफ्टर दिस उसमें ये कमांड है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा ऑटो लॉगन, यानी कि वो जैसे ही होगा हमारी, यानी कि जो फाइल है वो ऑटो लॉगन हो जाएगी। आप इसको AISO की इमेज फाइल में क्रिएट करके तो रन करके देख सकते हैं, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि क्या ये वर्क कर जी। आप ISO की फाइल क्रिएट करके देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं जी, आपको मैं बताता चलूं कि अगर ये यूज़र एडिंग की 2 कमांड्स मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं, उनमें से एक ही वर्क करेगा। लाइक अगर आपने ये यूज़ करना है WOBEINFO.INI तो ये यूज़ कर लें, अगर ये नेट यूज़र मेथड यूज़ करना है तो ये कर लें। ये नहीं कि आप सेम टाइम में दोनों फाइल्स ही सेव करके रख दें और आफ्टर इंस्टॉलेशन वो आपको कोई एरर दे लेकिन वो यूज़र लॉगिन नहीं करेगा क्योंकि उस पर। लेकिन मैं जहाँ तक जिसको रेफ़र करूँगा, आप ये नेट यूज़र वाला मेथड यूज़ करें क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ईजी है, ये यूज़ करने में भी ऑटोमेटिकली है और वर्क भी कर जाएगा, वो प्रॉपर वर्क भी नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।